हेलो दोस्तों, इनफिल्म्स टू बॉलीवुड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन सिनेमा के मशहूर एक्टर अक्षय कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे से जुड़ी कुछ खास खबरों के बारे में। जैसा कि फिल्म के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, फिल्म के बारे में इससे पहले हम लोगों ने कई बार बात किया है। इस फिल्म को लेकर के कोई भी खास खबर सामने आई है सोशल मीडिया पर, तो जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया है, और फाइनली फिल्म के बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि आखिरकार फिल्म की क्या अपडेट है, फिल्म की शूटिंग की क्या अपडेट है, फाइनली ये फिल्म में विलन के किरदार में कौन सा एक्टर नजर आने वाला है। जैसा कि फिल्म के लीडिंग स्टार कास्ट की भूमिका में अक्षय कुमार और कृति सैनन की जोड़ी नजर आने वाली है, जो कि इससे पहले एक साथ फिल्मों में काम कर चुके हैं। दोस्तों, फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की शूटिंग के सेट से सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज भी शेयर किए गए थे, जिसमें अक्षय कुमार, कृति सैनन का जो नजर आए थे, और अक्षय कुमार का गैंगस्टर वाला लुक रिवील किया गया था। तो बात करते हैं कि आखिरकार कौन है वो एक्टर जो कि इस फिल्म में बच्चन पांडे में विलन के किरदार में नजर आने वाला है, तो जिसका नाम है अभिमन्यु सिंह। जी हाँ, अभिमन्यु सिंह के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि साउथ की कई मशहूर फिल्मों में काम कर चुके हैं, विलन के किरदार में नजर आ चुके हैं, जो कि काफी शानदार था, ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिला है। तो इस बात का खुलासा किया गया कि एक बार फिर से अभिमन्यु सिंह अक्षय कुमार के अपोजिट लीड रोल में विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं फिल्म बच्चन पांडे में। जैसा कि ये फिल्म बच्चन पांडे एक एक्शन जनर की फिल्म होने वाली है, इस फिल्म में एक्शन सीन हमें भर भर के देखने को मिलेगा। इस फिल्म को साल 2022 में 26 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या रिएक्शन है, आप लोग क्या कहते हैं, बच्चन पांडे मूवी में कौन सा स्टार विलेन के किरदार के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, साउथ या बॉलीवुड का? कुछ भी कहना चाहते हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक्ट्रेस के बारे में भी जरूर कमेंट करें। दोस्तों, साउथ से लेकर बॉलीवुड तक इसी तमाम खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।